नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोलकाता में फ्लाईओवर हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या हुई 25, 85 लोग जख्मी, राहत और बचाव कार्य जारी। कोलकाता हादसे पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी ने गिनाई ममता सरकार की नाकामियां, कहा भ्रष्ट गठजोड़ की खुल गई पोल। ममता बनर्जी ने सफाई में कहा लेफ्ट के कार्यकाल में बनना शुरू हुआ था फ्लाईओवर। भारत माता की जय को लेकर दारुल उलूम ने जारी किया फतवा, कहा मुसलमानों के लिए भारत माता की जय बोलना जायज नहीं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा पाकिस्तान में नहीं रह रहे आप। वॉशिंगटन में चल रहे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में पीएम मोदी ने फिर उठाई आतंकवाद के खिलाफ आवाज, कहा इसका आतंकवाद उसका आतंकवाद की धारणा से ऊपर उठना होगा। दोहरी नागरिकता विवाद पर राहुल ने एथिक्स कमेटी को भेजा जवाब, राहुल ने स्वामी को दी सबूत पेश करने की चुनौती, जवाब में स्वामी ने राहुल को कहा बेवकूफ। चीन ने फिर भारत की पीठ में खोपा छुरा, यूएन में वीटो का इस्तेमाल कर मसूद अजहर पर बैन का किया विरोध। टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जीत के बाद वेस्टइंडीज ने मनाया जश्न, भारत को 7 विकेट से हराया, अब इंग्लैंड से 3 अप्रैल को होगा फाइनल मुकाबला। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए टीवी लाइव।